प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के लातेहार जिले में एक बार फिर माओवादियों का तांडव देखने को मिला है। देर रात नक्सलियों ने महुआडांड थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे 8 वाहनों में आग लगा दी है, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इस दौरान मुंशी के साथ नक्सलियों ने मारपीट भी की है। मौके पर नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर घटना की पूरी जिम्मेवारी ली है। महुआडांड से कूड़ो मोड़ तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। कल का काम समाप्त होने के बाद कंस्ट्रक्शन कार्य में उपयोग हो रहे जेसीबी पोकलेन समेत 8 वाहन सीआरपीएफ कैंप के पास स्थित साइडिंग में खड़े किए गए थे, लेकिन शनिवार की देर रात लगभग 35 की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां आ पहुंचे और सभी वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने इस दौरान साइडिंग के मुंशी के साथ मारपीट भी की है और उसका मोबाइल लूट कर ले गए हैं। रात के 9 बजे करीब आदमी हम लोग के पास 3-4 आदमी आया और रूम में सोए हुए थे, जगह के बाहर ले गया और इसके बाद हम लोग के पास से मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद पूछा कि डीजल कहाँ है, तो हम बताए कि नहीं है। एक आदमी को मारपीट करना शुरू कर दिए और इसके बाद बोले कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोला कि ड्राइवर हैं, तो चाबी कहाँ है, गाड़ी से डीजल निकाल, चाबी लेकर गाड़ी से डीजल निकाल कर और गाड़ी में आग लगाना शुरू कर दिए। इसी बीच और एक आदमी के 3-4 लाठी दूसरा आदमी को भी लपड़ थपड़ देना शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली और छानबीन जारी है। बताया जाता है कि उग्रवादियों ने लेवी की मांग को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। और बोल रहा था कि अगर मैनेज नहीं हुआ तो काम नहीं लगाना है, न तो अभी तुम लोग को मार के सबको रोड पर फेंक देंगे। पिछले एक साल से लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। घटनास्थल सीआरपीएफ कैंप से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माओवादियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए जाने से एक बार फिर पूरे इलाके में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। प्रभात खबर के लिए वसीम अख्तर की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।